मेरा स्वभाव ऐसा है सर, मैं कैसे बदल दूँ। मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है और गलत है उसमें मैं गुस्सा कर जाती हूँ। मुझसे सहयोगी अक्सर पूछते हैं कि मैं इतना गुस्सा क्यों हो जाती हूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। ये बयान है फिल्म अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन का। आखिर मामला क्या है जिसके चलते जया बच्चन को भरी सभा में ऐसा बोलने पर मजबूर होना पड़ा है, आपको विस्तार से बताते चलें। दरअसल सपा नेता जया बच्चन ने बात बात पर गुस्सा होने की अपनी आदत के बारे में सफाई देते हुए कहा कि जो बात गलत होती है उसे वो सह नहीं पाती और बोल देती हैं। राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने जा रही समाजवादी पार्टी की जया बच्चन ने ये बात उच्च सदन में कही। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई उनके शब्दों से आहत हुआ है तो वो क्षमा चाहती हैं। मुझे हमेशा कुछ हमारे साथी बोलते हैं, आप इतना गुस्सा क्यों हो जाती हैं? अब मेरा स्वभाव ऐसा है सर, मैं कैसे बदल दूं? जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है और गलत है उसमें मैं गुस्सा कर जाती हूँ। अगर मैंने बुरी तरह से गुस्सा किया, अगर पर्सनली किसी के ऊपर मैंने कोई बुरी बात कही, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। उच्च सदन में जिन 68 सदस्यों का कार्यकाल फरवरी से अप्रैल के दौरान पूर्ण होने जा रहा है उसमें जया बच्चन भी शामिल हैं। उन्होंने सदन में 20 साल के अपने अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि 20 साल जीवन का बहुत लंबा समय रहता है, मुझे कई खट्टे मीठे अनुभव हुए हैं, सबसे अच्छा अनुभव ये रहा कि मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया है, मेरा स्वभाव भी ऐसा है। जया बच्चन, जया ने कहा, मुझसे सहयोगी अक्सर पूछते हैं कि मैं इतना गुस्सा क्यों करती हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, जो बात मुझे गलत लगती है उसे मैं नहीं सह पाती, बोल देती हूँ, अगर मेरे शब्दों से कोई आहत हुआ है तो मैं क्षमा मांगती हूँ। उन्होंने कहा, मैं कामना करती हूँ कि ये सदन सदा समृद्ध होता रहे और यहाँ आने वाले विशेषज्ञों के अनुभवों से लाभान्वित होता रहे। गौरतलब है कि राज्यसभा के 56 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उत्तर प्रदेश के 10 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसमें सपा के 3 सांसद हैं, इन्हीं 3 सांसदों में जया बच्चन भी शामिल हैं। अब राज्यसभा चुनाव में नामांकन शुरू हो चुका है, आगामी 15 फरवरी तक नामांकन होगा। हालांकि बीजेपी और सपा की ओर से अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है, ऐसे में स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जया बच्चन फिर राज्यसभा जाएंगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।